नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। 1 नवंबर से इन 8 जगहों के लिए फ्लाइट्स उड़ान भर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा सरकार हमारी यात्रा को सुगम बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो गाइस, काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद में हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओपन होने जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 1 नवंबर 2023 यानी कि जिस दिन जिस डेट को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर 2023 से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी खुशी की बात है, हरियाणा प्रदेशवासियों का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और आसपास जितने भी जिले हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, उन सब के लोगों के लिए, खासकर पूरे हरियाणा और नियरेस्ट जितने भी जिले डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का भी आगे चलकर अनुभव ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 8 अलग अलग प्रदेश में 8 जिलों के लिए यहां से उड़ान भरना शुरू हो जाएगी। आपको विमान सेवा यहां से मिल जाएगी 1 नवंबर से। तो वो कौन से जगह हैं, कौन से एयरपोर्ट हैं जहां पर कि आप यहां से हिसार एयरपोर्ट से जा पाएंगे? तो हिसार से आप अंबाला जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं, आगरा, उदयपुर, जैसलमेर, देहरादून, हिंडन, अमृतसर, जम्मू, कुल्लू, श्रीनगर, इन जगहों के लिए आप डायरेक्ट सीधा हिसार से बाय प्लेन सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी डिमांड थी दोस्तों। हिसार को मिनी चंडीगढ़ भी बोला जाता है। हिसार हरियाणा का बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ जिला है। कई बड़े बड़े यहां पर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर एयरपोर्ट का होना भी बहुत अच्छी बात है। अब इससे इसकी तरक्की में और भी 4 चांद लग जाएंगे। हरियाणा प्रदेश देश का सबसे डेवलप्ड एवं छोटा प्रदेश है, तो और दिल्ली से नज़दीक होने के कारण इसके विकास में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। लोग यहां पर रहना आना काफ़ी पसंद करते हैं। रोजगार के अवसर बने हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं।